सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। एंड भाई, मैं 3 दिन बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। एंड मैं BGMI कम्युनिटी में भी घुस चुका हूँ, तो अगर आपको वहाँ के न्यूज़ अपडेट्स एंड बहुत कुछ जानते हो तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको BGMI कम्युनिटी में इंटरेस्ट नहीं है तो भाई सब्सक्राइब मत करना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। तो आपको जैसे पता है कि जो हमारा इंडियन पाकिस्तान के रिश्ते वो कैसे कितने ही ख़राब रिश्ता है, चाहे वो पॉलिटिकली ले लो भाई, मतलब जो हमारे आतंकवादी हमले, मतलब वो सब आप कैसे भी ले लो, जो हमारा इंडियन पाकिस्तान का रिश्ता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड मैं पहले बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान को हेट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। बट ये सब बातें छोड़ो भाई, अब बात करते हैं ई-स्पोर्ट्स के बारे में। तो जो हमारे रॉकिन RDX है, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले मतलब शायद एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट करवा रहे थे, जहाँ पे जो हमारे इंडिया, बांग्लादेश एंड जो हमारे पाकिस्तान सर्वर है वहाँ से टीम्स आकर टूर्नामेंट खेल रही थी। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान की टीम्स थी भाई, मतलब उनका तो आदत थी भाई, मतलब घुस के मरना, उनकी तो आदत थी कि इंडियन टीम्स को जाके उगली करना, उसके बाद भाई फिर खुद जाके मरना। आपको पता होगा जो हमारा ट्राई सीरीज हुआ था, वहाँ पे भी एक प्लेयर था भाई, वो इंडियन टीम्स को उंगली कर रहा था, उसके बाद आप सबको पता ही है क्या हुआ था। तो पाकिस्तान का तो भाई शुरुआत से था, पहले उंगली करो फिर जाके हक दो, तो ऐसा ही सीन हुआ था। जो हमारे पाकिस्तान की जितनी भी टीम्स थी वो हमारे इंडियन टीम से क्लैश लैंडिंग ले रही थी, एंड उसके बाद भाई क्या हुआ था आप सब देखना। इंडियन टीम से मतलब TG भी थी, तो TG ने जब पाकिस्तान टीम को कैसे मारा था भाई आप सब देखना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड उससे पहले आपको पता है कि SO12 का मर्च है, तो मैं SO12 के 3-4 मर्च गिव अवे करने वाला हूँ। तो उसका गिव अवे होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, जब 10K फॉलोअर्स हो जाएंगे तो जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 10K फॉलोअर्स होते भाई आपको मर्च गिव अवे देखने मिलेगा मेरे चैनल पे नहीं, आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं उस क्लिप के तरफ। काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स और पाकिस्तानी टीम WG गाजी के बीच में मुकाबले। WG गाजी आगे बढ़ते हुए, किसी के पास भी आप देख सकते हो यहां पे वेगोर पेट नहीं है, और यहां पे टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स पहले लैंड कर चुके हैं, और यहां पे और एरर को नॉक कर दिया TG के साथ मिल में। पाकिस्तानी टीम यहां पे भिड़ते हुए, TG को पहला किल मिल चुका है और पहला किल दिलाए TG माफिया ने। कैन वी सी द हैशटैग फॉर TG पाकिस्तानी। और यहां पे भारत को एक और झटका, माफिया नॉक हो चुके हैं। वसीम यहां पे बाल बाल बच गए, TG दादा भी डाउन। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स मुसीबत में। नाउ इट्स 1v1, लेखी बनाम सुल्तान 1v1। पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त काउंटर अटैक, 1v1 लेखी बनाम सुल्तान, और रिवाइव देने गए हैं लेखी रिवाइव देने गए सुल्तान के पास। डबल वेक्टर्स हो सकती है, लेकिन 1v2 क्लच करना बहुत मुश्किल। सुल्तान 1v2, टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान उनको एलिमिनेट कर दिया, और सुल्तान को टोटल गेमिंग की ओर से हमला करते हुए देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे और सेटी को डाउन कर दिया। देखिए बाजी बराबरी पे ले आए हैं, पाकिस्तानी टीम डेंजरस, माफिया ऊपर से एडवांटेज जरूर ले रहे हैं, लेकिन अगर दो खिलाड़ी टीजी के नीचे डाउन हुए तो माफिया ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन रुकिए, यहां पे गलती कर गए कैस्पर और ध्यान भटका, और माफिया ने कोई मौका नहीं दिया। आई एम डैम श्योर दोनों ही किल यहां पे माफिया ने निकाल के दिए हैं। जी बिल्कुल, एक किल सिक्योर होने वाला है और एक किल हो चुका है, दो किल हो गए। ओ यहां पे सेटी डाउन जरूर हुए, बट शिकारी को भी नॉक कर दिया जाएगा। टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट कहना पड़ेगा, साहिल एक अलग ही फॉर्म में खेले, लेकिन ये क्या, जिस चीज की मैं बात कर रहा था साहिल, अगर दो खिलाड़ी नॉक हुए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन फाइनली टोटल गेमिंग ने वहां पे एलिमिनेट कर ही दिया गॉडजी स्पोर्ट्स को। पाकिस्तान की दोनों टीमें शुरुआती पलों में ही एलिमिनेट हो गई यहां। तो यार यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कैसे जो हमारी टीम है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, उन्होंने पाकिस्तान की टीम्स को कैसे वाइप आउट किया, जो पाकिस्तान की टीम्स उन्हें टारगेट करी थी या जो उनके ड्रॉप लोकेशन पे आ रही थी उन्हें भाई कैसे कितने अच्छे तरीके से मारा हमारी TG ने। तो कमेंट स्क्रीन में भाई #टैग प्राउड ऑफ यू TG या भाई TG और लव लग जाना चाहिए, TM लव लग जाना चाहिए, मैं भी लगाऊंगा भाई, आप सब भी कमेंट सेक्शन में लगाना। तो यार आज की वीडियो यहीं तक थी, आपको कैसा लगा जो हमारी इंडियन टीम से मतलब पाकिस्तान टीम्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Only time.
छोटे हम लोग फुल दूर है, तुम लोग ने आज से नहीं सुने। बी डाउन पुणे स्टेशन के पीछे देख नीचे देख खड़े वाला हम लोग निकालना फिर टोल। बोल उसको किसको मत बोल, तू भी कल आना फिर वापस से छोल। किसको मत बोल, वापस से मिलने वाला दुनिया फुल गोल। मिली मेरी सोल उड़ के ले छोर, बुरा मत देख किसका बुरा मत सोच। लो बैक अप 2 लाख की थकलाई पे दे सब सोल। आज बंद तू शेर का गाय तेरी बोल, तू रहे अनमोल देखो आता नहीं रोल। पसंद ने देखो मेरे बोल तेरा गुनगारी बोल। मैंने दे डाला छोड़ सर हाथ में बारूद हवा में हुआ बाल न पाका बड़ा दम है दुआ में। बना मेरा हक का जो सब छीन लूंगा मैं, जो मेरा कोई नहीं किसी का ना हुआ मैं। फक घंटे पे रखू मैं लट हिट मारने की लत, जा फरमान सुना देने बंदों को इनकी धूतों पे पड़ेंगे लट खुलेगी।